या शोध की समस्या का अस्थाई समाधान होता है। अस्थाई क्या होता है? तो टेम्परेरी चीज होती है, ठीक है। या शोध की समस्या का अस्थाई समाधान होता है जिसकी वैधता शोधकर्ता को नहीं पता होती, जिसकी वैधता शोधकर्ता को नहीं पता होती, जिसकी वैधता शोधकर्ता को नहीं पता होती, इसीलिए परिकल्पना की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाता है। परिकल्पना की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि वह सही है या गलत, कि वह सही है या गलत, ठीक है। ये क्या था बेटा? हाइपोथेसिस की परिभाषा। अब आप लिखेंगे परिकल्पना की विशेषताएं। परिकल्पना की विशेषताएं इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना की विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए बेटा? जो भी आपने परिकल्पना लिखी है उसकी स्टेटमेंट बहुत ही सही होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमें क्लैरिटी ना मिले कि क्या कह रहा है हमारी परिकल्पना। जैसे कि हमने कहा अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा माइग्रेशन होता है या ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हाइपोथेसिस बहुत बड़ा पैराग्राफ का हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज, सिंपल हो, क्लियर हो और बहुत ही स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हमारा बनना चाहिए। लिखे परिकल्पना की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। परिकल्पना